नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआत कमजोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स में यानी कि फ्रंटलाइन इंडेक्स में निफ्टी सेंसेक्स दोनों में रिकवरी थी, और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी थी। हालांकि क्लोजिंग लाल निशान में हुई। अच्छा पार्टिसिपेशन था PSU इंडेक्स की तरफ से, अच्छा पार्टिसिपेशन था मेटल की तरफ से, सेलेक्टिव रियल्टी की तरफ से। ITS थोड़ा बैकफुट पर था। PSU बैंक करीब 1.5% के आसपास बढ़कर बंद हुआ, वहाँ पर अच्छा रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी मोर लेस फ्लैट रहा, निफ्टी बैंक फ्लैट रहा, लेकिन आज सेंसेक्स फ्लैट रहा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया तेजी में थे और अच्छी रिकवरी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स स्ट्रॉन्ग एडवांसेस के बीच में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कंपेरेटिवली अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एडवांसेस कहीं ज़्यादा बेहतर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। PSU कंपनियों में बढ़िया रिकवरी आई, PSU बैंक के अंदर अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी, और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी एक अच्छा अपटिक मार्केट के अंदर हमने आते हुए देखा। तो ओवरऑल जो सिचुएशंस लगातार बीटिंग साइड पर थी, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो 3 सत्रों से या 4 सत्रों से टूट रहा था लगातार, अब जाके आज कहीं पुल बैक आया। एंड स्मॉल कैप तो 6 सत्रों से लगातार टूट रहा था, आज वहाँ पर पुल बैक देखने को मिला। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अपमूव इज़ अ गुड साइन। बाकी 22,300 के इर्द गिर्द ही निफ्टी बार बार बंद हो रहा है, और 22,300 इज़ अ क्रूशियल जोन, तो उसको भी बाजार अभी तो एज ऑफ नाउ रिस्पेक्ट दे रहा है। बाकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट रहा, हीरो मोटोकॉर्प की अर्निंग अच्छे आए। भारत फोर्ज के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, नंबर्स तो फ्लैट थे, लेकिन कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उस कमेंट्री का इम्पैक्ट था। 8-9% ऊपर भारत फोर्ज पहुँच गया। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में जहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला, जो नवीन फ्लोरीन थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर अच्छे थे, YY बेसिस पे नंबर कमज़ोर थे। सो क्यू ऑन क्यू मार्केट ने रीड किया, इसलिए एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा नंबर्स के बाद वहाँ पर। एंड अदरवाइज भी बहुत केस टू केस बेसिस या स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। उम्मीद थी SRF के नंबर के बाद चलना चाहिए, थोड़ा रिकवरी आनी चाहिए, नहीं आया। प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद थी वोल्टास में, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि बढ़िया नंबर से पहले कमेंट्री रीड कर चुका था मार्केट्स। PD लाइट नंबर्स के बाद नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद भी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में जो कहानी है वो चल रही है। बाकी अभी भी हैवी अर्निंग्स डे हैं आगे, SBI के नंबर्स हैं, एशियन पेंट्स के नंबर्स हैं, 7 F&O कंपनियों के नंबर्स हैं, तो उन सब नंबर्स के ऊपर आपको अदरवाइज भी नज़र बना के रखनी होगी। अब बाकी सवाल जब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो। तो कुछ सवालों को शामिल कर लेता हूं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों पर भी। सबसे पहले, सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन LIC एंड बारबेक्यू नेशन, इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म? पूजा मैम, LIC कुड बी द गुड बेट, बट एक स्टॉप लॉस ज़रूर आप फॉलो करना किसी PSU में, क्योंकि अभी वो एक ट्वीट किया, आप लोग चाहे पढ़ भी सकते हो, कि पिछले 10 साल में वो 10 ईयर के बीच में मोदी गवर्नमेंट के पूरे PSU इंडेक्स में या फिर PSU की जो 70-72 कंपनियों की लिस्ट मेरे पास है उनमें करीब करीब 15 कंपनियों के IPO आए हैं जिसमें LIC भी शामिल है, और करीब करीब 50+ कंपनियों का एवरेज रिटर्न 300% आया है। सो इस तरह का एग्जॉर्बिटेंट गेन PSU दे चुका है, तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस लेके फॉलो करना, बट LIC कंपनी अच्छी है, वैल्यू अच्छी है। सो अगर आप बारबेक्यू नेशन और LIC पूछोगे तो ज़्यादा बेटर तो ऑब्वियसली LIC है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो, बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो तो आप एंटर करो, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं, बस स्टॉप लॉस जरूर रखना। खास तौर से जो रीसेंट लोज बनाए थे उन लोज का इस्तेमाल कर लेना आप स्टॉप लॉस तौर पे। हेलो सर, योर सजेशंस ऑन SBI रिएक्शन टू टुमारो रिजल्ट्स एंड वेदर टू ऐड भरत फोर्ज एंड USL@CMP। देखो ठाकुर साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में नंबर से पहले ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है। नंबर चाहे कितने भी अच्छे दे दे, ये शेयर चलने की उम्मीद है, लगाना मत इसमें, क्योंकि नंबर्स के बाद ये डिप देना चाहिए। और कोई चीज़ ऑल टाइम हाई पर है और उसके नंबर आ जाते हैं, कितने भी अच्छे दे नंबर, वहाँ मार्केट उसे प्रॉफिट टेकिंग में लेगा ज़रूर। सो बहुत ही रोबस्ट नंबर आएगा तो शायद एक गैप दे देगा, लेकिन उसके बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो आनी चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में। सो आप उस हिसाब से वेट कर लो, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है आपके लिए। दो कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। देन कम्स SBI। अगेन SBI के नंबर से पहले आप उसे ऐड करना चाह रहे हो एंड ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पर है। सो अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे मिल जाए तो आप ज़्यादा बेटर इसमें पोजीशंस को ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए दोनों ही शेयरों में, मतलब दोनों की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, बट बेटर इसके आप IPO के कह रहा हूँ लिस्टिंग के बाद ही एंटर करो, वो ज़्यादा नंबर्स के बाद ही एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर है। और रही बात भारत फोर्ज की, तो हाँ कमेंट्री अच्छी थी, नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है। सो कल कहीं अगर ड्रॉप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा मूव आपके लिए रहेगा, बट कंपेरेटिवली नंबर तो फ्लैट थे, कमेंट्री बहुत अच्छी है। कल मेरे ख्याल से बेकार इसमें वो भी आने चाहिए अपग्रेड्स भी। सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या करते हैं वहाँ पे। सो मिस्टर शर, प्लीज शेयर व्यू ऑन अल्ट्राटेक सीमेंट, विच लेवल बी गुड टू एंटर, शुड आई एंटर ऑन 4th June इफ स्टॉक गोज डाउन? 4th June, अच्छा
4 जून का आउटकम रिजल्ट का। अनिल जी देखो, अल्ट्राटेक इज द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, 200 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली इंडिया की इकलौती कंपनी पहुंचेगी है, पहुंच रही है तो, और एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, बढ़िया कैश फ्लो है। सो इश्यूज के साथ और कुछ नहीं है, बस ये कि थोड़ा महंगा हो चुका है भाव वाइज, प्राइस वाइज, मतलब प्राइस वाइज, भाव वाइज नहीं। सो कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब नीचे आप कैसे लोगे इसमें, तो आप ये कर सकते हो कि आप SIP चालू करो सी अल्ट्राटेक की। आप मान लो 1000 शेयर लेना चाहते हो, सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब एग्ज़ाम्पल तो बड़ा ही दूंगा ना, तो अगर आप 1000 शेयर लेना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि 20 शेयर 30 शेयर अभी लेना शुरू करो विद SIP, एंड स्लोली एंड स्टेडली अगर किसी फाइन डे ड्रॉप दे देता है बड़ा और आपका एपेटाइट अलाउ करता है उस समय, तो आप उसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हो वहाँ पर अपनी SIP की। सो ताकि आपके पास क्वांटिटी भी आ जाए एंड एक प्राइस भी आ जाए, और अगर ड्रॉप मिलता जाए प्राइस का तो आप धीरे धीरे SIP बढ़ाते चले जाओ। सो दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। और रही बात किसी एक डे स्पेसिफिक को शेयर लूँगा मैं कि ऐसा होगा तो उस दिन मैं ऐसा करूँगा, क्या पता 4 जून को बाजार गैप अप खुल जाए, नहीं हुआ कुछ भी फिर। सो ये स्पेसिफिक में मत रहिए, क्योंकि बाजार बहुत सारी चीज़ों को पहले डिस्काउंट करके चलेगा, और कर भी लिया हो शायद बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए उम्मीदें मत लगाइए 4 जून की स्पेसिफिकली। वॉलेटाइल रहेगा इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन क्या तरफ की चाल बैठेगी ये भी आप नहीं कह सकते। सो बेटर इज गुड क्वालिटी एसेट है, थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करिए, नीचे मिले आप SIP करते जाइए, आराम आराम से ऐड करिए। सर IGL के रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट अच्छे हैं सर, अनुमान से बेटर आए हैं, मतलब मार्जिन फ्रंट पर ही पिक्चर अनुमान से बेटर है, और आउटलुक कमेंट्री भी अच्छी आई है, तो नंबर्स अनुमान से अच्छे हैं इसके। ओके सुमित सर, 1322 रुपये के इतनी तेज शेयर भाग रहे हैं के नाम बाटा है, क्या करूं? बर्जर पेंट कब चमकेगा? सर पहली चीज़ तो बाटा के केस में आप होल्ड कर सकते हो, आपकी कॉल खरीदारी से थोड़ा सब्सटेंशियली नीचे आया तो आप वहाँ ऐड भी कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी, इट माइट टेक सम टाइम, बट इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज, पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है ये। और रही बात बर्जर पेंट की, तो देखिए एशियन के नंबर आने, कंसाय के नंबर में बहुत बड़ा फायरवर्क था नहीं, एशियन के नंबर कल आने हैं। सो जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं, पीडीलाइट के नंबर अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही डिस्काउंटेड था तो टूट गया इसीलिए। सो अब आगे कैसे नंबर आते हैं, एशियन पेंट कैसे रिएक्ट करता है, नंबर के बाद क्या सिचुएशन आती है, कमेंट्री क्या रहती है, वो क्रूशियल है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पीडीलाइट की मैनेजमेंट से आज मेरी बातचीत में निकल के आया कि जो घरों की बिक्री है वो अभी शुरू हुई है, और आमतौर पर पीडीलाइट की डिमांड घरों की बिक्री के पहले साल में नहीं आती, दूसरे तीसरे साल में आती है, जब वो घर पूरा फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है कंस्ट्रक्शन के। सो पेंट भी तभी इस्तेमाल होगा जब फेविकोल का इस्तेमाल होगा, एक आध महीना ऊपर नीचे मान लो आप मोटा मोटा। सो पेंट की डिमांड जैसे जैसे रियल स्टेट की डिमांड स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग डिमांड का जब लास्ट फेज आएगा तब पेंट की डिमांड पिकअप करनी चाहिए, उस समय के हिसाब से लग तो रहा है कि बेटर बैठे। सो आप समय दे सकते हो तो आराम से आप बैठो और होल्ड करिए, इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज। KPI ग्रीन, वारी रिन्यूएबल सोलर, SW सोलर, इन सब में क्या करूँ? सर देखो वारी रिन्यूएबल से केस में तो मैं कल भी इस बात पे टिप्पणी किया था और आज फिर बोलूँगा कि जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, रिटेल में भी बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, और 11-12% के आसपास का रिटेल का हिस्सा था पहले, 15 हो गया, तो रिटेल पब्लिक ज़्यादा आ गई है, 2 रुपये का शेयर या 1 रुपये का शेयर 3000 रुपये पे हो जाए इस समय पर, उसमें एंटर करने का औचित्य नहीं है। लाइकवाइज KPI ग्रीन में, KPI ग्रीन की मैनेजमेंट है, KP ग्रुप की मैनेजमेंट को जानता हूँ, उनसे मेरी अच्छी बातचीत भी है, और दे आर वेरी नाइस मैनेजमेंट, दे आर वेरी एग्रेसिवली ग्रोइंग, सब कुछ अपनी जगह है, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, बट एक प्राइस होता है। सो नीचे मिल जाए वो प्राइस फेयर हो जाता है, लेकिन अभी तो आप खुद देखो KP ग्रीन इंजीनियरिंग का IPO 140 रुपये का IPO 600 रुपये पहुँच गया, आप 615 रुपये राधर, किसी फॉल में नहीं टूट रहा। KPI ग्रीन बोनस के बाद 1300 रुपये, फिर वापस 2100, अब स्प्लिट आ रहा है। या KP इंजीनियरिंग, तो सब में ही कुछ 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 अपमूव आए हैं। सो थोड़ा हल्का होना तो बनता है, तो होने दीजिए, उसके बाद एंटर करिए। और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में SW सोलर फिर भी बेटर लग रहा है, वहाँ पर कंपेटिवली इतना मूव नहीं आया जितना बाकियों में आया, उसको एक बार को आप देख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं, और कंटेनर कॉप लॉन्ग टर्म, जहांगीरदार साहब, मेरे ख्याल सर आप बने रहो, सिंपल, आपके पास अगर है तो आप आराम से होल्ड करो, आपका एपेटाइट अलाउ करता है तो आप नीचे और ऐड भी कर सकते हो। अभी भी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है कंसिडरेबली, क्योंकि इसमें एक बड़ा लैंड पार्सल का डीमर्जर जैसी चीज़ें हो सकती हैं, प्लस जिस तरह के बिजनेस में है ये सबसे यूनिक और सबसे अलग तरह का बिजनेस है, और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में पोस्ट भी किए हैं। सो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रहो एंड जस्ट वेट एंड वॉच क्या डेवलपमेंट्स होते हैं इसमें।
ओके जी सुमित सर, शुड आई ऐड एलएनटी एट दिस लेवल बिफोर रिजल्ट्स आउट? एंड माय सेकंड क्वेश्चन, एनी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग बीपीसीएल बोनस एंड बोनस रेशियो? दास साहब देखो, पहली चीज़, बीपीसीएल के बोनस के ऊपर बैठक कल है, तो नंबर्स आएंगे, उसके साथ बोनस आएगा। पहले बोनस अगर आया तो आएगा, उसके बाद रिकॉर्ड डेट दी जाती है बाद में रेजोल्यूशन पास होने के। सो अभी के लिए आप ये सब तय मत कर लीजिए कि बोनस आ गया, क्या रेशियो में आ गया, मुझे कब मिलेगा, ये अभी नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक सम टाइम। एलएनटी केस में नंबर्स को देख लीजिए, नंबर्स के बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होता है। आप कहोगे नंबर भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, नंबर नीचे भी आ सकता है, तो अगर नीचे मिल जाए तो वहाँ एंटर कर जाना ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी के लिए नंबर्स को देखिए, पहला ट्रिगर वही है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो सुमित जी, प्लीज़ सजेस्ट इफ सीएट एंड एसआरएफ आर गुड फॉर फ्रेश बाइंग। सीएट इज़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पीयूष जी, आप सीएट को एक अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर लॉन्ग भी कर सकते हो, ओल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छे नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में पोस्ट किए थे, हालांकि नंबर फ्लैट थे, बट इट्स अदरवाइज अगर आप इसके ईयरली नंबर देखेंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है, इक्विटी बेस ठीक है, अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, सो इट्स अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एसआरएफ भी हल्का काफ़ी हो चुका है, 6% कल हो गया, 2% आज हो गया, सो इट्स अ रीजनेबल लेवल, आप थोड़ा थोड़ा करके आप एंटर कर सकते हो। केमिकल साइकिल ख़राब है माना, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, दोनों एसआरएफ भी और सीएट भी, सो अगर आप टाइम दे सकते हो तो दोनों अच्छी कंपनियाँ हैं। ओके, बाटा पे बातचीत हो गई। रोहित जी का सवाल है, सुमित हाय सर, एचडीएफसी बैंक 10% लॉस एंड बजाज फिनसर्व 13% लॉस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 15% लॉस, क्या करें, एवरेज करें, सेल कर दें? रोहित जी देखो, किसी भी शेयर, रोहित जी के लिए सबके लिए सवालों का जवाब है, अगर आपने कोई अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा है, से एचडीएफसी बैंक, से बजाज फाइनेंस, से एशियन पेंट, से पीडी लाइट, और आपके पास अपना पैसा है, आपने कहीं से पैसा उधार लेके नहीं लगाया है, और आपके पास समय अवधि की कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी शेयर बेचिए मत, लॉस में एटलीस्ट, क्योंकि अभी क्वांटिटी छोटी है। आप ट्रेडर नहीं हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं ये अज्यूम करता हूँ, तो उस सिचुएशन में आप इन शेयरों को आराम से रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अपॉर्चुनिटी लॉस होगा उस समय के लिए कि आपका ये पैसा कहीं और यूज़ जाता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में आप नीचे उनको और एवरेज करके और बेटर सिचुएशन में जा सकते हो। सो ऐसी क्वालिटी कंपनियों के साथ एटलीस्ट ये मत करना कि लॉस में बेचो। सो आपके पहले सवाल का जवाब तो यही कि लॉस में मत बेचना। रही बात करना क्या है, अब अज्यूम करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इनमें आराम से एवरेज कर सकते हैं इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, धीरे धीरे क्वांटिटी में एवरेज करते रहिए, ताकि अगर ये फर्दर डिसफॉल दिखाते हैं तो आपके पास एक क्वांटिटी हो। ये कंपनियों की परफॉर्मेंस कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन ख़राब नहीं हो जाएगी। सो नियर टर्म मार्केट के फॉल में एचडीएफसी बैंक शायद परफॉर्म ना करे, या बजाज फाइनेंस शायद परफॉर्म ना करे, अदानी एनर्जी भी शायद परफॉर्म ना करे, लेकिन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब आप एक बहुत लंबे होराइजन के लिए सोचते हो, तो ऐसा नहीं कि कंपनियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आप इनमें समय दे सकते हो, बट मतलब ये समय ले सकती हैं आपका, लेकिन एटलीस्ट लॉस नहीं देंगे, तो एटलीस्ट आप इनको सवालिया निशान लगाकर इन्हें बेचो मत, वो ज़्यादा बेहतर है। हाय सर, योर सूट कलेक्शन इज नाइस, थैंक यू कुमार साहब। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर अनुपम रसायन, देखो कुमार साहब, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के केस में लगातार शेयर सर्किट टू सर्किट चल रहा है, सर्किट गोज अप, सर्किट गोज डाउन है। सो अगर आपके पास है तो आप ये कोशिश करना कि कहीं रीजनेबल गेन मिलने के बाद किसी सर्किट में ही निकल जाना, क्योंकि ये लोअर सर्किट के जब दौर में आएगा तो शायद मुश्किल हो जाए। चला इसलिए कि वो बीच में किसी बाजार के बड़े निवेशक ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, उस ट्रिगर को पकड़ के चलना शुरू हो गया है। सो सर्किट गोज अप, सर्किट गोज डाउन वाले स्टॉक में यही कोशिश करना कि आपको कहीं भी तेज़ी मिलती रहे और सर्किट में आप ऊपर देख रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहना, क्योंकि कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल ही लेना, फ्री के शेयरों में बने रहना। लाइकवाइज अनुपम रसायन केस में भी अभी तो आप होल्ड कर सकते हो इसे, बट थोड़े महंगे साइड पर है शेयर, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, तो अभी थोड़ा हल्का होने दीजिए, ज़्यादा बेटर डील इसमें आपको दिखाई पड़ेगी। एचडीएफसी बैंक हो गया, सूट कलेक्शन हो गया। सर एलएनटी और कितना डिप करेगा? डिलन साहब देखो, अभी आज तो नंबर है, नंबर को एक बार ही देख लो कैसे नंबर आते हैं, ऑर्डर इन्फ्लोस को लेके क्या है, इनके मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट्स को लेके क्या कहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अनुमान बाजार लगा रहा है कि ओन क्यू नंबर अच्छे रहेंगे, वाई वाई नंबर कमज़ोर रहेंगे, क्या नंबर आते हैं, क्या ऑर्डर इन्फ्लोस एंड बाकी डिटेल, क्या कॉल्स, क्या एनालिस्ट रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ों को देख लीजिए, और उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। और वैसे भी चला था शेयर, बहुत चला है शेयर, 1600 रुपये से एक तरफा चला था, 3000 3500 रुपये तक गया, और वहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई बनाए, तो थोड़ा कूल ऑफ अगर हो भी रहा है तो खास बुराई नहीं है, आप समय दीजिए और आराम से आप नीचे इसको होल्ड भी कर सकते हैं। इट्स ए पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक, तो समय देकर आराम से आप इसे रख भी सकते हैं।
चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है, और बाकी आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज के YouTube, Facebook, Instagram सभी पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आपसे मुलाकात होती रहेगी आगे भी। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।